नूरपुर के बीटीसी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्रधानाचार्य चंद्ररेखा शर्मा ने की। स्कूल की छात्राओं द्वारा क्लासरूम, शौचालय तथा विद्यालय के प्रांगणों को साफ सुथरा किया गया। इस अवसर पर छात्राओं की भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में प्रकाश डाले गए। स्कूल की प्रधानाचार्य चंद्ररेखा शर्मा ने कहा कि आज महात्मा गांधी की 148वीं जन्मतिथि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छ भारत का सपना देखा है, 2024 तक हम भारत को स्वच्छ करेंगे। स्वच्छ भारत के लिए हर एक नागरिक विद्यार्थी अपना सहयोग करे। हर शिक्षा संस्थान में, हर कार्यालय में एक अलग दिन रखा गया है। इस दिन पढ़ाई ना होकर केवल सफाई होगी। इस तरह हर गली, हर मोहल्ला, हर कोना साफ सुथरा हो जाएगा। इसलिए हर विद्यार्थी आज पढ़ाई से अलग होकर सफाई पर ध्यान देता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 तक जहां पूरा देश पूर्ण रूप से स्वच्छ होगा, तो उसमें हर विद्यार्थी, हर नागरिक का योगदान होगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ स्वच्छ भारत का भी आंदोलन छेड़ रखा है, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन में हर नागरिक को अपना योगदान देना चाहिए। इसी स्कूल ने महात्मा गांधी जी की 148वीं जयंती के उपलक्ष्य पर स्वच्छ भारत मिशन में अपना सहयोग डाला है। आज स्कूली छात्राओं ने अपने पूरे स्कूल प्रांगण की, कक्षा कक्ष की और सारे स्टाफ ने सामूहिक तौर पर स्वच्छता का संदेश देते हुए सफाई अभियान चलाया। और उस सफाई अभियान के द्वारा एक संदेश हमने जो बांटना चाहा है कि हर गली, हर मोहल्ला, हर नगर, हर शहर जब साफ होगा, तो भारत की जो स्वच्छता अभियान का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जी का जो एक सपना है, वो जरूर साकार हो जाएगा। हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत वर्ष पहले एक ख्वाब देखा गया था कि स्वच्छता स्वस्थता से कहीं अधिक महत्व रखती है। इसी नारे को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर विद्यालय जो है स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दे रहा है। आज बच्चियों ने महात्मा गांधी के जीवन चरित्र के ऊपर एक भाषण प्रतियोगिता भी की है और अपने भाषण के माध्यम से भी उन बच्चियों ने महात्मा गांधी जी के आदर्शों, उनके जीवन चरित्रों, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों पर एक विस्तृत प्रकाश डाला है। महात्मा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलन चलाते हुए देश को आजादी की ओर लेकर के गए और आजादी दिलवाई भी, लेकिन अब उनका जो सपना था कि अस्वच्छता इससे भी मुक्ति मिले भारत को, तो उस आंदोलन में और इस स्वच्छ भारत इस मिशन के इस आंदोलन में सभी विद्यालय के विद्यार्थी एवं सभी स्टाफ से समाज को ये जागरूक करना चाह रहे हैं कि अपना स्वच्छता में व्यक्तिगत सहयोग दीजिए। अपनी औपचारिकता को भुला करके अपना व्यक्तिगत सहयोग देते हुए देश को स्वच्छता की ओर अग्रसर कीजिए और देश को एक विकसित देश बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने हर कॉलेज, हर गली और हर स्कूल में सफाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आज से और अभी से 2 अक्टूबर को छुट्टी नहीं, वहां पे स्कूल में अभियान मनाया जाएगा। और हमारी प्रधानाचार्य जी ने भी हमें करेज किया है कि हमें स्वच्छता को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें हर गली, हर कोना साफ करना चाहिए और हिचकिचाना नहीं चाहिए। धन्यवाद। स्वच्छता की कमी के साथ साथ अनेक ऐसे सामाजिक मुद्दों के कारण भी भारत एक विकासशील देश है। हमें समाज में इन सभी मुद्दों के कारणों को विनाश करना है जो कि हमारे देश के विकास और वृद्धि में बाधा डालते हैं। और मैं समझती हूँ कि स्वच्छता अभियान इन सभी मुद्दों को नष्ट करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो ये सपना था कि सब भारतवासी स्वच्छता के बारे में सीखें और उस पर अमल करें। वे पर्यावरण को साफ रखने के लिए काफी ध्यान देते थे। अगर हर नागरिक छोटे और बड़े अपने घरों को और अपने आसपास की जगहों को साफ रखें, तो बीमारियों को फैलना